तो दोस्तों आज हम आपके लिए गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ऐसे दो नए रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रेसिपी लेकर आए हैं जो आपने ऐसे पहले कहीं नहीं देखी ये बनाने में जितनी आसान है ना पीने में ये उतने ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी है तो चलिए फिर इस अनोखे रेसिपी को देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पाइसी वाटर मेलन पंच और दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और गर्मी में जब आप इसे पिएंगे ना तो आपका मन तरो ताज़ा हो जाएगा तो इसे बनाने के लिए हमने एक कप वाटर मेलन के क्यूब्स लिए हैं मतलब तरबूज के टुकड़े लिए हैं इसमें हमें डालना है आधा नींबू नींबू का रस डाल देंगे साथ ही डालेंगे थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक दोस्तों ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत ही चटपटा भी है वो क्यों आगे बताऊंगी इसमें हमने शक्कर भी डाली है थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और हाँ दोस्तों इसमें आधी हमें बिल्कुल आधी हरी मिर्च डालनी है तभी तो ये ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार लगता है साथ ही हमने इसमें डाला है स्प्राइट आप चाहे तो नॉर्मल ठंडा वाटर भी डाल सकते हैं और इसे हमें ब्लेंड करना है ब्लेंड करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो बहुत ही लाज जवाब जो ड्रिंक है वो रेडी हो चुका है इसे गार्निश करने के लिए ग्लास के ऊपर आपको थोड़ा सा लेमन स्क्विज करना है और इसे मिर्च और नमक से थोड़ा सा कोट करना है ताकि दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगे और जब आप इसे पियेंगे ना तो हल्का नमकीन और तीखा फ्लेवर आपको बहुत ही शानदार लगेगा दोस्तों इसे एक बार आप बना कर देखिएगा आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे इस गर्मी में बार बार बनाएंगी तो अब दोस्तों गार्निशिंग के लिए हमने ग्लास में डाला है बर्फ और बिल्कुल फाइन चॉप कट किया हुआ तरबूज और ये ड्रिंक जो है ना उसे आप इस ग्लास में डालिए ऊपर आप लेमन और वाटर मेलन और पुदीने के पत्ते के साथ गार्निश कीजिए और इसका मज़ा लीजिए यकीन मानिए दोस्तों ये रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी एक बार ट्राई करके तो देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा और इस तरीके के ड्रिंक्स जब आप आपके मेहमानों को पिलाएंगे ना तो इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे तो चलिए अब देखते हैं दूसरी रेसिपी तो सबसे पहले हमें लेना है एक कप वाटर मेलन जिसके हमने बीज निकाल दिए हैं अब इसमें डालना है लगभग दो टेबल स्पून रूह बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है इससे साथ ही डालेंगे मिल्क पाउडर जी हाँ दोस्तों आज हम दूध नहीं मिल्क पाउडर डालेंगे क्योंकि वाटर मेलन में काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है अगर आप इसमें दूध डालकर ये शेक बनाएंगे तो ये काफ़ी पतला बनेगा साथ ही हमने बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं और इसे ब्लेंड करना है अब मिल्क पाउडर डालने से ये कितना ज्यादा थिक बनेगा जिससे पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बहुत ही रिच लगता है दोस्तों अब हमारा शेक रेडी है बस इसे परोसने के लिए इसे गार्निश करेंगे हम रूह से तो ग्लास लीजिए और ग्लास के साइड में आपको रुआ अफजा से थोड़ा सा डिज़ाइन करना है और ये ठंडा ठंडा थिक मिल्क शेक आपको ग्लास में डालना है दोस्तों ये मिल्क शेक आप आपके बच्चों को मेहमानों को भी सच कहती हूँ बहुत डिलीशियस लगता है अच्छा लगता है और इसे थोड़ा सा रुआ अफजा से गार्निश की कर दीजिए तो ये हमारा मिल्कशेक रेडी है जो बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी है तो आज की ये दोनों रेसिपी आपके लिए रेडी है दोस्तों बनाइए पिलाइए और कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए